हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं। उनमें से एक टाइप हमने पढ़ा हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने अपने एक लेक्चर में डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को अगर आपको गेट का कोई एग्ज़ाम देना है या तो फिर IES का एग्ज़ाम देना है तो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर ऐसी मिलेंगी जो जनरली देखने में नहीं मिलती हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को कैसे हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के सम में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मैट्रिक्स है जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है मेरे पास, मुझे उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है द सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। अगर मुझे उस मैट्रिक्स के सम को रिप्रेजेंट करना है हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के सम में, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसको एक बार समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/2 2A। अभी भी ये मैट्रिक्स ए ही है। ये कॉन्सेप्ट हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी देखा था, उसको भी हमने कुछ इसी तरीके सॉल्व किया था। एक वीडियो हमारा ये भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप जाइए और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम कैसे प्रेजेंट किया जाता है ये आप देख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को मैंने कुछ ऐसे लिखा कि 1/2 A+A, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए कुछ ऐसे लिखा कि a+a+a^θ - a^θ। a^θ आप जानते हैं, हमने पढ़ा है a^θ क्या होता है, फिर से बता देता हूँ। a^θ इज द मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और फिर उसका कॉन्जुगेट निकाल दें, आप ये भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, इसकी भी हमने एक वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 मैंने कुछ ऐसे लिखा कि इन दोनों को एक साथ लिख लिया है a+a^θ और +1/2 a-a^θ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स होती है ये हर्मिशियन आती है और ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू हर्मिशन आती है। तो यहां से हम किसी एक मैट्रिक्स को जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लेकिन स्टूडेंट, इसके लिए मुझे ये सब चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि a^θ + a a-a^θ मुझे कैलकुलेट करना है। 2 से डिवाइड भी करेंगे, अगर हम 2 से डिवाइड नहीं भी करते ये मैट्रिक्स तो भी हर्मिशन आती है, 2 से डिवाइड नहीं भी करते तो भी स्क्यू हर्मिशन ही आती है, और डिवाइड कर देते हैं तो भी हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन ही मिल जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4+3i का कॉन्जुगेट हो जाता है 4-3i 2-i 1+i। 2 चूंकि रियल नंबर है, 2+0i है तो 2 ही रहेगा। 3+i 4 चूंकि रियल नंबर है एज इट इज रहेगा। 2-i 5-i 6-2i। तो इस तरीके से मैंने उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल दिया है। अब अगर मुझे इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज करना है, जिसे मैं a^θ कहता हूँ, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 4-3i 2-i और 1+i 2 3+i 4 2-i 5-i 6-2i। इस तरीके से मैंने a^θ कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर मान लीजिए मुझे 1/2 a+a^θ चाहिए, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2
मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज जो मैंने निकाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से चलेगी। ए मैट्रिक्स है 4+3i, 2+i, 1-i, 2, 3-i, 4, 2+i, 5+i, 6+2i। यहाँ पर हम ए टू दी पावर थीटा ले लेते हैं, 4-3i, 2, 2-i, 2-i, 3+i, 5-i, 1+i, 4, 6-2i इक्वल्स टू 1/2। दो मैट्रिक्स का सम कर देते हैं, 4+3i, 4-3i, जब मैं दोनों का सम करूँगा तो 4 और 4 8 हो जाएंगे और प्लस के 3i माइनस के 3i के साथ 0 हो जाएगा। 2+i प्लस 2 यानी 4+i, 1-i और 2-i तो 3 3-2i, 2 और 2-i 4-i, 3-i और 3+i 3, 4 9-i, 2+i 1+i, 3+2i, 5+i 4, 9+i और 6+2i 6-2i, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, तो दिस इज 12। और अगर हम इसे 2 से डिवाइड भी कर दें, मैट्रिक्स वैसे हमें पता चल गया है हर्मिशन आई है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको 2 से डिवाइड भी कर दूं तो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आएगी कि 8 2 से डिवाइड चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि 1/2 में बन जाएगा 4। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स 2+i/2 हो जाएगा, मैं जब इसको डिवाइड करूँगा तो 3/2-i हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2-i/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करूँगा 3/2 हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करूँगा तो 9/2-i/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 3/2+i हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करूँगा 9/2+i/2 हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड करूँगा तो 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक ये हर्मिशन मैट्रिक्स है, आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ये भी हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स ही आई है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हमने a+a^2 निकाला तो हर्मिशन आई, लेकिन अभी हमने हर्मिशन को देखा है केवल कि इसका कंजुगेट यहाँ आ रहा है, इसका कंजुगेट यहाँ आ रहा है, इसका कंजुगेट यहाँ आ रहा है, और पहले तो बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हर्मिशन मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल होता है प्योरली रियल होता है, तो वो प्योरली रियल ही आया है। इसका कंजुगेट यहाँ पे है, इसका कंजुगेट यहाँ पे है, इसका कंजुगेट यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है, तो मैट्रिक्स को हर्मिशन आ रही है। लेकिन हम इसी वीडियो में समझेंगे कि ये मैट्रिक्स हर्मिशन कैसे है, क्योंकि उसके लिए भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर मान लीजिए a^2 इक्वल्स टू a हो जाए तो मैट्रिक्स इज हर्मिशन, और अगर a^2 बराबर -a हो जाए तो मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो अभी इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले अभी हमने दोनों का सम कर लिया है, तो दोनों का सम करके हमें पता चल गया कि कैसे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट हम एक ये देख लेते हैं कि 1/2 a-a^2 कितना आ रहा है। तो 1/2, तो सबसे पहले मैं a लूँगा माइनस, फिर a^2 लूँगा, तो उसके बाद चेक करूँगा कि मैट्रिक्स कितनी आ रही है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन आई है या नहीं आई। तो a मैट्रिक्स क्या है उसको ले लेते हैं, 4+3i
टू प्लस आई वन माइनस आई, टू थ्री माइनस आई फोर, टू प्लस आई फाइव प्लस आई और सिक्स प्लस टू आई। अभी मुझे ए टू दी पावर थीटा भी चाहिए, ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। फोर माइनस थ्री आई टू, टू माइनस आई, टू माइनस आई थ्री प्लस आई फाइव माइनस आई, वन प्लस आई फोर और सिक्स माइनस टू आई। दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर में से फोर जाएंगे जीरो ये, और थ्री आई और ये प्लस हो जाएगा, तो ये सिक्स आई आएगा। इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो आई आएगा, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो माइनस करने से वन में से टू जाएंगे तो माइनस वन और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस वन आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा प्लस ओएटा, तो ये प्लस ओएटा आ गया। इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो इसमें से इसको माइनस करने से थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के टू आई आएगा। इसमें से जब इसको माइनस करूँगा तो इसको माइनस करने से माइनस के वन और प्लस आई आएगा। इसमें से जब इसको माइनस करूँगा तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, टू में से वन जाएगा तो वन बचेगा। इसमें से जब इसको माइनस करूँगा तो वन प्लस आई हो जाएगा, और इसमें से जब इसको माइनस करूँगा तो सिक्स से सिक्स कैंसिल, ये टू आई और ये प्लस टू आई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर आई हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, टू से डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए पहली डेफिनेशन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की यही होती थी कि डायगनल में प्योरली इमेजनरी या तो फिर जीरो एलिमेंट होने चाहिए। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका कॉन्जुगेट माइनस के साथ यहाँ है, इसका कॉन्जुगेट माइनस के साथ यहाँ है, इसका कॉन्जुगेट माइनस के साथ यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स आई है वो स्क्यू हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। लेकिन स्क्यू हर्मिशियन के लिए हमने ये पढ़ा कि अगर ए टू दी पावर थीटा बराबर माइनस ए हो जाए तो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन होते हैं। हर्मिशियन के लिए पढ़ा ए टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू ए हो जाए तो मैट्रिक्स हर्मिशियन हो जाती है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब मुझे इस मैट्रिक्स को इस प्रॉपर्टी से, इस मैट्रिक्स को इस प्रॉपर्टी से शो करके दिखाना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन कैसे आती है और ये मैट्रिक्स हर्मिशियन कैसे आती है। तो एक क्वेश्चन से हमने दूसरे क्वेश्चन को बना लिया है। अभी हमने केवल दोनों का सम करना पड़ा कि इसके सम को दोनों में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी इस मैट्रिक्स के बराबर लिखा जा सकता है दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स और वन बाई टू, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है सम का। लेकिन मान लीजिए कि मुझे एक क्वेश्चन आ गया है कि शो दैट द मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर मुझे ये शो करके दिखाना है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मुझे हर्मिशियन करके दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी मुझे सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। तो मान लीजिए मुझे ये दिखाना है कि ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है, तो क्वेश्चन है शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू एट फोर प्लस आई थ्री माइनस टू आई, फोर माइनस आई थ्री, नाइन माइनस आई थ्री प्लस टू आई, नाइन प्लस आई एंड ट्वेल्व इज हर्मिशियन। मुझे इसको हर्मिशियन दिखाना है। अगर मुझे इसको हर्मिशियन दिखाना है तो कैसे मैं इसको हर्मिशियन दिखाऊंगा, तो समझते हैं। वी हैव ए टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू ए, देन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। अगर मान लीजिए ए टू दी पावर थीटा ए के बराबर हो जाता है तो मैट्रिक्स हर्मिशियन हो जाती है। तो ए टू दी पावर थीटा निकालने के लिए सबसे पहले मुझे कॉन्जुगेट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो ए का कॉन्जुगेट कर देता हूँ। एट का कॉन्जुगेट एट ही होगा, फोर माइनस आई होगा, थ्री प्लस टू आई होगा, फोर प्लस आई होगा थ्री, नाइन प्लस आई थ्री माइनस टू आई, नाइन माइनस आई एंड ट्वेल्व, मैंने इसका कॉन्जुगेट कर दिया है।
कॉन्जुगेट का अगर ट्रांसपोज कर दें तो उसे ए टू दी पावर थीटा कहते हैं। तो ए टू दी पावर थीटा मतलब मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो 8 4 माइनस आई 3 प्लस 2 आई, 4 प्लस आई 3 9 प्लस आई, 3 माइनस 2 आई 9 माइनस आई एंड 12। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स जो हम लेकर के चले थे वही मैट्रिक्स फिर से आ गई है। ए दैट इज ए का ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ करने से ए के ही बराबर आया। मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन। तो स्टूडेंट ऐसे हम दिखा सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स कैसे हर्मिशियन आती है। अगर मुझे मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन दिखाना है तो उसकी भी मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, तो मैंने एक अलग से क्वेश्चन बना दिया है, इसी में समझ लेते हैं इसको भी। कि शो दैट ए मैट्रिक्स मेरे पास है, कोई मैट्रिक्स है 6i i-1 i माइनस के 2i माइनस 1 प्लस i 1 प्लस i एंड 4i, ये मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन। मुझे ये दिखाना है ये स्क्यू हर्मिशियन है। अगर मुझे इस मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन दिखाना है तो देन टू शो दैट जब मैं सॉल्व करूंगा मुझे दिखाना पड़ेगा कि ए टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू माइनस ए। अगर ए टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू माइनस ए आ जाता है तो मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो उसके लिए तो मुझे ए का कंजुगेट निकालना पड़ेगा, तो मैट्रिक्स का कंजुगेट कैलकुलेट कर लेते हैं। कंजुगेट हो जाएगा माइनस 6i माइनस i और माइनस 1 माइनस i 2i माइनस 1 माइनस i 1 माइनस आई एंड माइनस 4i। मैट्रिक्स का कंजुगेट हो गया है। मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज कर देता हूँ। मैट्रिक्स के कंजुगेट का जब ट्रांसपोज करूँगा तो माइनस 6i माइनस i माइनस 1 माइनस i 2i माइनस 1 माइनस i 1 माइनस i एंड माइनस 4i। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो कॉमन लेने के बाद ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आ रही है कि ये 6i हो जाएगा, ये i होगा माइनस 1 i होगा माइनस 2i होगा, और माइनस कॉमन लेने से माइनस 1 प्लस i होगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस i हो जाएगा और ये 4i हो जाएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो ये माइनस a के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स आपके सामने हैं ये स्क्यू हर्मिशियन हो गई है। यानी स्टूडेंट हम किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन कैसे दिखाते हैं उसके लिए आपने समझ लिया है कि कैसे हम स्क्यू हर्मिशियन दिखाते हैं। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट और है, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन, अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है देन आई ए इज हर्मिशियन। यानी अगर मैं मैट्रिक्स में एटा का मल्टीप्लाई कर दूं, आई का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन से हर्मिशियन हो जाती है और हर्मिशियन से स्क्यू हर्मिशियन हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ में हमने, हमारा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है कि हर्मिशियन को अगर आई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्क्यू हर्मिशियन हो जाती है और स्क्यू हर्मिशियन हर्मिशियन हो जाती है। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट, अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूँ तो मुझे अगर आई ए कैलकुलेट करना है तो मैं मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर इज माइनस 1 तो माइनस 6 हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर इज माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई तो माइनस आई हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई फिर से माइनस 1 हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई इसके साथ आई स्क्वायर इज 2 हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो ये माइनस आई माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये आई माइनस 1 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो माइनस के 4 हो जाएगा।
स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहले इसका डायगनल में प्योरली इमेजनरी एलिमेंट थे, लेकिन अब इसके जो डायगनल है प्योरली रियल एलिमेंट हैं। इसका कंजुगेट यहाँ होना चाहिए, इसका कंजुगेट यहाँ होना चाहिए, इसका कंजुगेट यहाँ होना चाहिए, अवेलेबल है। ये जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन आई है, लेकिन हर्मिशियन दिखाने की तो डेफिनेशन आपने पढ़ ली। आप ये कहेंगे कि अगर मैं कंसिडर करूँ ये मैट्रिक्स मेरे पास बी है, तो बी का कंजुगेट करने के बाद जो ट्रांसपोज किया जाएगा, मतलब बी की पावर थीटा, वो बी के ही बराबर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो दिखाना तो वैसे आपको इस प्रॉपर्टी से है, लेकिन मैंने यहीं पर चेक करके दिखा दिया है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, किसी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दो मैट्रिक्स के सम में, वो हमने दिखाया। उनमें से एक हर्मिशियन होती है, दूसरी स्क्यू हर्मिशियन होती है, उन दोनों के सम से कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बन जाती है। कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है हमने ये देखा भी, और इसके बाद हमने इस लेक्चर में ये सीखा है कि किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन कैसे दिखाया जाता है, दूसरा हमने सीखा है किसी मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन कैसे दिखाया जाता है, और तीसरा हमने ये सीखा कि अगर किसी मैट्रिक्स को जो हर्मिशियन है अगर ओएटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो स्क्यू हर्मिशियन हो जाती है, और अगर वो स्क्यू हर्मिशियन है तो ओएटा से मल्टीप्लाई करने के बाद वो हर्मिशियन हो जाती है। तो इस तरीके से हमने तीन चार प्रॉपर्टीज़ एग्जांपल के साथ यहाँ की हैं, तो अगर आप चाहें तो अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन आता ही रहता है। थैंक यू वेरी मच।